नमस्कार, मैं हूं सोम सिंह और आप सभी देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ दिनों बाद ही रामगढ़ प्रखंड में चुनाव होना है और अभी हम लोग हैं अहिवास पंचायत के अंदर चिताहा गांव। ये है सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह की जो किरणें लग रही हैं हम पे, वो भी काफ़ी मधुरमय है। यहाँ पे गाँव के कुछ स्थानीय हैं, इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि आखिर ये पंचायती चुनाव में इन लोगों का किस कदर हिस्सा है, क्या चाह रहे हैं लोग इस बार, और इस बार का जो पंचायती चुनाव हो रहा है वो किस मुद्दों पर ये लोग जो कि वोट कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? बिहारी प्रजापति। क्या करते हैं आपको? हम सुधा डेयरी चलाते हैं। अच्छा, डेयरी फार्म चलाते हैं, दूध वाला जी। देखिए, दूध में कई लोग मिलावट करके बेचते हैं, कई लोग बिना मिलावट करके जी। अभी तक आपके पंचायत में जो सत्ता में रहे जी, वो चाहे मुखिया जी हों, सरपंच साहब हों, पंच साहब हों, वार्ड हों, BDC हों, चाहे जो भी, ठीक, क्या लग रहा है, वो सभी ही ठीक हैं या फिर किसी नए, सारे जगहों पे नए कैंडिडेट का आना जरूरी है? नया कैंडिडेट को आना चाहिए, जरूरी है हर पद पे। हर पद पे किसी भी जो कि जिस पद पे वो लोग थे उपस्थित, किसी से संतुष्ट नहीं है आप लोग? संतुष्ट हम लोग नहीं है। अच्छा, एक मिनट, आप हिल क्यों रहे हैं ये पहले बताइए। हिल नहीं है। अच्छा, ठंडा लग रहा है? नहीं, ठंडा नहीं, ठीक है, हमें भी लग रहा है। तो हम हिल नहीं रहे हैं, ऐसी बात है कि हम चाहते हैं कि अपना मुखिया जी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। लाल मुखिया जी को। अच्छा, कि हम लोग भारी मत से उसका बहुमत से वोट से विजय करें। अच्छा, जो फला नाम लिए उससे मैटर नहीं करता है, अभी आपके पंचायत में जो सत्ता में रहे 5 साल, उन्होंने कार्य किया है? कार्य किए हैं, क्या कार्य, मान के चले कि 5 साल के बाद एक बार आते हैं, बस एक बार फिर दिखाई नहीं दिए हैं कि मतलब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वह मतलब मान के चले कि कुछ किए हैं कि दिखे नहीं आज तक। आज तक क्या, पहला बार देखे, बस परसों देखे हम। अच्छा, 5 साल में सिर्फ एक ही दिन आपको दिखे? बस मुखिया जी को देखे हैं। अच्छा, उनके काम दिखे हैं आपके गांव के अंदर, आपके पंचायत के अंदर? काम क्या, ये टंकी लग रहा है और क्या लग रहा है, नल जल वाला काम करता है, पानी मिलता है उससे? मिलता है, पानी मिल रहा है। अच्छा, और कोई शिकायत अपने वर्तमान मुखिया जी से? शिकायत यही है कि मान के चलिए कि ये सब रोड है, ये सब रोड है, मतलब खड़ांजा नहीं हुआ है अभी। अच्छा, तो मिला जुला के शिकायत है थोड़ा बहुत ना। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शशिकांत प्रजापति हुआ। क्या करते हैं आप? जी, मैं भी तो अभी स्टूडेंट लाइफ से फिर आया हूँ। अच्छा अच्छा, और इसके बाद एक किसान भी हूँ। जैसे अभी पंचायती चुनाव चल रहा है जी, तो क्या लग रहा है, कैसा माहौल है आपके पंचायत के अंदर? जी, बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा, और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि 70% जो है नए चेहरे आने की उम्मीद है हर पद पे। हर पद पे 70% नए चेहरे आने। जैसे अगर मान लीजिए 6 पद है आप ओवरऑल लिया जाए तो जी, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर मुखिया के पद पे लेना चाहें तो किसको लेंगे? मुखिया के पद पर देखिए, मैं जो भी हमारे पंचायत के हित में और हमारे जनता के हित में अगर बेहतर काम करेगा। अच्छा। मैं उसका समर्थन करने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, मतलब किसी पार्टिकुलर का नाम नहीं लेंगे? जी नहीं। अच्छा, पार्टिकुलर का नाम इसलिए नहीं लेंगे कि हमारे लिए सब लोग बेहतर है, लेकिन जनता के लिए कौन बेहतर है ये मायने रखता है। अच्छा, अभी देखिए, आपने मुखिया जैसे नाम लिया, अगर बाकी कैंडिडेट का नाम लिया जाए, जैसे अगर पंच पे लिया जाए तो? पंच पे अगर लिया जाए तो हमारे वार्ड में 2 पंच खड़े हैं। अच्छा, जिसमें अगर जो लोग बेहतर हैं उन्हीं को चुनिएगा? उन्हीं को चुनेंगे। सरपंच पद पे अगर लिया जाए? सरपंच पद पर भी हमारे जो पंचायत में अगर जिनका व्यवहार विचार और जो हमारी समस्याओं को अपने माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से, अगर सरल तरीके से अगर उन्हें सहेजते हैं तो हम उन्हें चुनने का प्रयास करेंगे। अच्छा, और BDC पद पे लिया जाए तो? BDC में भी हमारे जो स्कूल के सुदृढ़ व्यवस्था को होकर लेकर हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, या फिर हमारे पंचायत में जितनी भी उनके अंतर्गत आने वाली समस्याएं हैं, अगर उसको वो सॉल्व करते हैं। कोई नज़र है चेहरे में, आप किस जहर में कोई चेहरा है कि कोई? जी, चेहरा है और हम लोग अपने दिल में कुछ बसाए भी हैं और उसको हम कैमरे के सामने थोड़ा फेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन समयानुसार आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा। अच्छा। कि नहीं, कौन चेहरे में आ रहा है। चलिए, जैसे आपने जो समस्याएं देखिए, ये भाई साहब बताए कि पंचायत में ओवरऑल कुछ कामें हुई हैं और जो कामें हुई हैं वो सटीकता से चल रही है। वर्तमान मुखिया कुछ खामियाँ हैं? जी, ऐसे तो हर आदमी के अंदर खामियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी खामियां होती हैं जो दिखती हैं और कुछ नहीं दिखती हैं। और हम लोग आपको बताए ही कि नहीं, कम से कम 70% जो चेहरे होंगे नहीं, वो नए आएंगे। चलिए, और देखना ये है, और है मेरा अभी थोड़ा सा कि मैं भी अभी ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड से प्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 1 से। अच्छा अच्छा, और आपके चैनल के माध्यम से हमें जितने लोग देख रहे हैं मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि मैं जिस उम्मीद को लेकर के और इस बार खड़ा हुआ हूँ
पद से, वार्ड सदस्य से और वार्ड नंबर एक से, हाँ वार्ड नंबर एक से, तो हमें सहयोग करें और मैं अपनी सभी जनता जनार्दन को एक बार प्रणाम करता हूँ। चलिए और देखिए, हालांकि एक तरह से देखना ये भी है कि बातचीत के दौरान एक कैंडिडेट महोदय से भी मुलाकात हो गया जो कि अपने ही गांव अपने ही पंचायत के वार्ड से खड़े हैं। क्या नाम पड़ेगा महोदय? राधेश्याम प्रजापति। और आ जाइए। क्या करते हैं आप लोग? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। देखिए, किसानी जो वर्तमान की स्थिति है, एक बड़ा ही गर्वांगित काम है। जब तक उपजेगा नहीं तब तक लोग खाएंगे। लेकिन देखिए, इसी में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है राजनीति। किसानी और राजनीति का एक बड़ा बड़ा अटैचमेंट होता है। तो अभी राजनीति चल रहा है, माहौल आपके अहिवास पंचायत में क्या माहौल है अभी? माहौल तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा, किसी बात का ताना तनुबल नहीं? ताना तनुबल नहीं है, अरमान यही है कि नया चुना जाए। क्या चाहते हैं? अगर देखिए, किसी नए को अगर चुनते हैं तो उससे कुछ अपेक्षाएं होंगी, आपकी इच्छाएं होंगी, क्या चाहिए उससे अगर जिताते हैं उसको? तो अरे वही ना होगा कि जिसे गाँव की विकास हो। विकास किस क्षेत्र में? गाँव का विकास हो किस क्षेत्र में? जैसे रोड है, नाली है और जो विकास है उसको करना चाहिए। अच्छा, अभी अगर वर्तमान में तमाम कैंडिडेट हैं आपके यहाँ से मुखिया पद के लिए, हालांकि हर पदों पे इस बार वाला ही अलग ही कंपटीशन है, अलग ही लेवल का, तो जो मुखिया पद से हैं तमाम प्रत्याशियों के बीच आपके जहन में कौन सा चेहरा बेहतर है? कहना पड़ेगा अब ये देखिए, कहना पड़ेगा नहीं कहना पड़ेगा ये मस्ट नहीं है, वो तो आपके दिल की बात है। क्या नाम पड़ेगा महोदय? लाल बहादुर प्रजापति। लाल बहादुर प्रजापति जी, क्या करते हैं? किसान हैं आप? किसान हैं। मूड बनाए हैं जी? हाँ। वोट मारने का जी? किसको मारिएगा वोट? तो इस समय अभी हम फिलहाल सरपंच का चुनाव लड़े हैं। आप भी सरपंच प्रत्याशी हैं? अच्छा, हवा है। अच्छा अच्छा, तो मैं कुछ भी कहना चाहते हैं कि जैसे करने का मतलब है कि हम लोग सरपंच का चुनाव में है, 11 चुनाव में प्रत्याशी लोग हैं, 11 को फाइटर है, 11 फाइटर है, तो विकास का मुद्दा पर हम लोग तो नहीं आएंगे। विकास का मुद्दा जैसे कहने का मतलब कि गली नली तो इसमें नहीं आएगा ना, हम विकास का न्याय का काम है, न्याय का काम है। तो हम यहाँ तक चाहेंगे कि जहाँ तक से कि थाना से भी हम अपना जनता जनार्दन को लगभग खींच कर ले आए कि थाना पर न जाए। अच्छा, मतलब जो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो गाँव में सॉर्ट आउट हो जाए। चलिए वाह, ये कुछ नया हमें भी सुनने को मिला। अगर इस तरह से हर पंचायत हर गांव का अगर सोल्यूशन होने लगे गांव में जी, तो केस का रफ्तार कम हो जाएगा उन्हें थाना जी में। हाँ, ना? नहीं हो जाएगा सर। कहने का मतलब कि हम चाहेंगे कि यहाँ 10 भाई हैं तो हम सुलझा बुलझा के अपने घर में रख दें और कहीं बाहर न जाता, उससे बेहतर क्या है? बिल्कुल, और घर का इज्जत घर में, घर में भी रह जाए, तो वही हमारा कहना है। अच्छा, सोच है आप? यही सोच। चलिए, आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप बने रहिए, ठीक है? जो एक जनता है वो भी आपको तरासेगी। क्या नाम पड़ेगा महोदय? चंद्रभूषण पांडे। क्या करते हैं आप? अरे खेती करते हैं, किसानी करते हैं, और हम लोग का यूपी बिहार किसानी वाला ज्यादा बेल्ट। वही है। अभी पंचायती चुनाव चल रहा है महोदय, तमाम प्रत्याशी हैं, वर्तमान कैंडिडेट ने काम किया भी होगा, कुछ काम नहीं भी किया है, किया है कुछ नहीं किया, नहीं किया है। और देखिए, कामियां खमियां और खूबियां सबके अंदर होता है, तो अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए तो इस बार इन्होंने राय दिया और लोगों ने राय दिया कि 70% उम्मीद है कि चेहरा बदलेगा। हाँ, तो क्या आपको लगता है क्या कारण है चेहरा बदलने का? नहीं, वो बदलेगा ही है कुछ काम को लेकर के। अच्छा अच्छा, जैसे मैं उनके माथे पे कुछ सिकन दिख रहा था वर्तमान मुखिया जी का, कहीं वैसा रोल है? नहीं नहीं, वैसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? वैसा अच्छा, कोई नहीं है, वो भी ठीक है। अच्छा, लेकिन कार्य जो है अपने पंचायत में जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, वो कुछ नहीं हुआ है, असंतुष्ट है जनता जो। आपके अनुसार क्या क्या कार्य नहीं हुआ है वो हमें थोड़ा? अरे हमारे अनुसार से तो बहुत कार्य नहीं हुआ है, जैसे जो जैसे मान लिया जाए गली नली का जो कार्य है वो नहीं हुआ है। लेकिन आपके यहाँ गली का गली देख तो रहे हैं, चिकन नहीं, नहीं। है, क्या दिक्कत है? खाली ये मेन देखने से नहीं होगा, मेन रोड है, मेन रोड है गांव का, और गांव का जो है उसमें नहीं हुआ है, जो गली बना है उसमें नली नहीं बना, और जो नली बना तो गली नहीं बना। जिस वार्ड में एक वार्ड में मान लिया जाए दो गाँव है, ठीक, तो दो गांव है तो एक गांव में कुछ काम हुआ, एक गांव में 5% काम हुआ, तो थोड़ा 60 दिया गया। मुखिया जी के पास गए नहीं कि महोदय थोड़ा ध्यान दीजिए? नहीं, मुखिया जी कहते हैं कि ये वार्ड का काम है, हमारा कब पैसा देना है। वार्ड के पास गए फिर? वार्ड से भी तो बात हो रहा है। वार्ड क्या बोले? वार्ड कह रहे हैं कि जितना काम जितना आपको मिला है उतना हमने काम किया। अच्छा, मतलब वो अपना कह के पल्ला झाड़ लिया, इधर से ही अपना कह के पल्ला झाड़ लिया, बीच में जनता फंस गई। अगला सत्र में होगा। अच्छा, या कोरोना काल से बंद है इसलिए पैसा नहीं मिला, इस तरह का मतलब तंज कस रहे हैं आप भी कहीं ना कहीं चीजों को लेकर। हम भी जो है
एक प्रत्याशी है पंच पद पे। अच्छा देखिए यहाँ हमें आप लोग हर मोड़ पे एक नया चीज दे रहे हैं, जिससे बात करने जा रहे हैं खुद अपने एक प्रत्याशी रह रहा है जी। तो क्या लग रहा है आप जीत रहे इस बार? इस तरह से तो हम निर्विरोध मेरे पहले वर्तमान का पंच रह चुके हैं। अच्छा इससे पहले आप ही थे? जी जी, अब इस बार जो है एक प्रत्याशी हमारे खिलाफ है। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है फाइट हो रहा है? अब ये तो जनता बताएगी, लड़ाई है, लड़ाई तो। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए जो बड़ा पद है जैसे मुखिया हुए, ये सब हुए, जो बड़ा प्रचार प्रसार बड़ा धाकड़ से हो रहा है, गाना उना गाड़ी छकड़ा दस्तर चल रहा है, रोज का 10,000-20,000 का बिल बन रहा है, तो मुखिया पद में तो अरबों का फंड है, इसीलिए इतना खर्चा हो रहा है। तो मान लीजिए आप पंच से हैं या फिर जो छोटे पद के उम्मीदवार हैं, आप लोग भी खर्चा वर्चा खूब करते हैं? जी हम लोग खर्चा नहीं करते हैं, सब भाईचारे की दाता है। अरे जो तो भी मान लीजिए कोई का ठंडी मंडी है, मन कर दिया खाने पीने का, तो व्यवस्था हो जाएगा? जो भी व्यवस्था वो ठंडी का नहीं होता है। अच्छा, इसलिए कि यहाँ ठंडी वाले लोग नहीं है, गर्मा गर्मी सात्विक विचार के लोग हैं। अच्छा मतलब प्रबंध का कोई व्यवस्था नहीं? नहीं नहीं, वैसा व्यवस्था हमारे वार्ड में सपोर्ट मारेंगे जी। प्रलोभन नहीं, कोई प्रलोभन हमारा नहीं होता है। नहीं, नहीं, आपका व्यक्ति विशेष का बात नहीं, नहीं है, पूरे पंचायत हम लोगों का पंचायत का प्रलोभन ये है कि यहाँ जो है अच्छा काम होना चाहिए, अच्छे से देख रेख होना चाहिए, जो भी हो जाए जो। अच्छा। हम लोगों का काम के बेस पे वोट मिले जी, हम लोग का न्याय का काम है, तो हम लोग चाहे राजा हो या रंग हो, हम लोग उसको न्याय करेंगे। अच्छा मान लीजिए जीत गए, फिर से अन्याय करने का मौका मिला, जैसे भाई साहब बताए कि हम चाहेंगे गाँव में कुल सलट जाए, थाना पर न जाए, तो मान ली दू ठे दल बा, एक ठी बानी है कि नहीं हम बानी, हम मान ली खूब धन मन वाला बानी, तो हम आपके कुछ अंदर अंदर फंड कर देनी, तो निर्णय हमारे पक्ष में आई नहीं, नहीं वैसा नहीं होता। मतलब पैसा हमारे जीवन करवाई, कुल भी पैसा आप दीजिएगा, लेकिन न्याय का जो कार्य है ये हम लोग एक धर्म काटा है। तो मान लीजिए हम जो पैसा देंगे वो रख लेंगे? नहीं। अच्छा, रखेंगे? पैसा आप जो लेंगे। अच्छा। हमारा कार्य धर्म का कार्य है, न्याय का मतलब धर्म काटा एक तराजू है, दोनों को बरोबर पलरे पर तोलना है, मतलब तो जिसको प्रलोभन करो जी कोई नहीं, नहीं। यहाँ प्रलोभन की कोई बात ही नहीं आती है। चलिए, और जो पंच और सरपंच का जो पद होता है एक बड़ा ही गरिमा में पद होता है, हम लोग भले तरह यूपी और बिहार साइड ये चीज़ें नहीं उतना लागू होता है, लेकिन आप यही हरियाणा चल जाइए, एमपी चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, पंजाब चले जाइए, तो सरपंच का जो पद है बहुत ही गरिमा में पद होता है, और जहाँ वो जाते हैं वही सब कुछ होते हैं। तो ये धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं हम लोग की तरफ भी लागू, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो चुनकर आएँ अपने पंचायत के अंदर हित में काम करें जी। हम लोग अक्सर ज्यादा थाना से कंसल्ट नहीं करते। अच्छा। हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के गांव का जो कार्य है, जो भी खामियां है वो यहीं पे दूर हो, यही दूर हो जाए, और यही होना भी चाहिए। एग्जैक्टली देखिए, यही होना भी चाहिए कि आप यहीं पे रहे, यहीं पे सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर दें, तो बहुत लोगों का पहला चीज तो पैसा बच जाएगा जो थाना में चल रहा है मारामारी, और चीजें निवारण हो जाएंगी यहीं पे। चलिए इंटरव्यू का समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए क्षेत्र में नए प्रत्याशी के साथ और नए ओपिनियन पोलिंग के साथ। देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।